दिनकु दिन अनुगुल जिले में हाथी उपद्रव बढ़िबार लगी। एबे अछु आमे अनुगुल जिलार कणिया बनांचलर काकुड़िया पंचायत अछु एवं चांगुड़िया गाँव में अछु एवं सीधा सड़क दृश्य देखु देखु ये जो भाव में रही कदमी गच कि जो भाव में रही बैगण चाष ये संपूर्ण भाव में नष्ट कराई गोटे हाथी आसाला और नष्ट कर सब बड़ कथा है चाषी धान अमल करके रखी था अमल कर रखी बेल चाष जो धान रही पखापाखि तीस रु चालीस बस्ता रही है और चालीस बस्ता संपूर्ण भाव में नष्ट करदे चाषी एवं संपूर्ण भाव में क्षतिग्रस्त हो चाषी को जो भाई भाव में हाथी क्षय क्षति होता बन विभाग को बारंबार अभियोग कले मिलूना और सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना मौसी का हाथी आसला कौन घटना घटी खाली बेहान दिख बस्ता कर रखीजु आ जो धान पाल पक गदा हो पाल पड़ीजे धान के कौन के धान जहाँ तीस चालीस पड़ू जहाँ तो पचास पड़ू धान सब आम घर को गेतिकेनु क्या राति आम सला देखो जहाँ कह गए जो भाई भाव में धान बस्ता था संपूर्ण नष्ट आज्ञा कौन के हाथी आसला और हाथी कौन कौन सब नष्ट कर हाथी आज्ञा राति बारटा बेलू पहुँचला राति बारटा पहुँचला बेले जिते बड़े आम बाहर को एक आसवाक आसलु जिते बड़े हाथी देख लु आवाज आसला जिते बड़े देख लु हाथी पूरा संपूर्ण क्षतिग्रस्त करुच्चे धान मानने चालीस रु पचास बस्ता धान भर्ती होतापर धान किसी दस बार पड़क धान गदा होता खुंट मूल से समय जिते देख लु सबूक हाथी क्षतिग्र खाईदेला हेटू निआ हूला लगेलु तापर बरडा हूला देलु मैंने बाण देलापर भी बैंडुरी गोटे थी बैंडुरी भितर थी से भितर खाइला से आउ गला ना आमको बहुत मानला ना एवं हाथी एवं धान खाई हाथी जो धान खाया भितर आप वन विभाग के फोन करते वन विभाग नंबर आम पाखे नाला अलग लोक को फोन कलु से लोक फोन करने द्वारा से फोन आउ रिसीव कले ना एवं कौन दाबी रखुचंदी आमर जी क्षतिग्रस्त अच्छी से वन विभाग आम क्षतिग्रस्त दि जाऊ एवं देखो आम सीधा सड़क पुणी देखो चाषीर जो धान रही किभली भाव में नष्ट बस्ता गुड़िक संपूर्ण भाव जहाँ नष्ट देखो ये धान जो भाई चाषी थी संपूर्ण भाव में नष्ट बस्ता कोभली भाव में जो फाड़ी देती हाथी हाथी ए अंचल व्यापक पखापाखी दस दिन हम ए अंचल क्षति करुवा बेले वन विभाग पाखे खबर ना अंपे कह कणिया बनांचल चौदह हाथी रही चौदह हाथी विभिन्न स्थान में घूरी बुलू एवं विभिन्न लोकंर फसल नष्ट करी अभोग रही कि ये धान क्षति हो कि जेकोसी पर फसल क्षति हो ताको संपूर्ण भाव में क्षतिपूरण मिलूनी जहाँ चाषी बारंबार से अभोग कर मोर धान क्षति हो फसल क्षति होती प्रकृत में वन विभाग जो भाई भाव में तदंत करने कथा और हाथी घोड़ेबा भाव जो भाई भाव पदक्षेप नौता कथा से भाई नौना जो आज यही घटना घटू चाषी संपूर्ण भाव हैरान हो सीधा सड़क प्रतिक्रिया नाप चेस्टा करूँ आज जन चाषी आज्ञा ये केतेदिन है ये हाथी नष्ट कर कौन कौन नष्ट कर हाथी आज्ञा ये 2017 मसीह ठारू मो स्त्री की आज्ञा मारा ई डीएफओ एसएफओ जिते आज्ञा थे कागजपत लिखिर मत मो ना कुबेर साहू एवं आज्ञा कह तेत दबू कि दौड़ दौड़ डीएफओ एसएफओ तीन वर्ष ना लगे आज्ञा ये घर में पड़ रही भाई मेडिकल जाइला कल रात बाहर जो हाथी पहुँचला से घर पड़ रहा मुझे जिते शब्द शुभ मो घर उठिली एकाठे दुई भाई लगे आज्ञा अच्छु बारंबार जिते निहा शब्द हलानी बर्तमान दुई भाई गाँव साहुरी का लुक भी मारिदेव बोली आम गाँ सारा हाड़ हूरी कलु लोक सतर्क हो आज्ञा रही है जो आसवा सत्वे निआ जाए जा पुणी मो बगिचा नष्ट कला जीवन विकल निज जीवन धरी आज घर रही सका फोन कर रेंजर अफिस बाबू जो आम तक डिपार्टमेंट आसी इनक्वर करती आम ये बाबू आगे पहुंची जाती आप स्त्री को हाथी केतेदिन है मारा आप क्षतिपूरण पाई ना सतर मसीहा ठार् आज्ञा सी जो दे प्रतिश्रुति सब आज्ञा डीएफओ बाबू को जिते रेंजर अफिस डिपार्टमेंट देखे सुधा किसी ग्रहण कले कहे आम देखु लेखी खाली नाश उठापी उठी सारा पर आम एक ना तुम तो पैसा पाल ये कौन लड़ुच इन करमटाल जो जीवन विकल आज्ञा एम पड़ी रही से सरकार नियम से तेज आज्ञा तीन लक्ष टा देते जहाँ आईन थी आश उठापी 20,000 सब संस्कार कही तो पर तो झील की पुख जहाँ कहे जन तुम रक्षा करू देवु चाकर खड़े लिखिकी से कागज देती डीएफओ बाबू सारे पाक जो गलु देवी देवी सब दिन कहे दौड़ दौड़िया गरीब लोक के चालीस पचास किलोमीटर बाट इन फेरस्त आया निमटाल चाषवास कर खाऊ भाई तो ये अवस्था मोर आज्ञा भी मध्य बगिचा बाड़ी सब नष्ट कर सब देखी बाबू आज्ञा पहुँची इनक्वारी करुँच देख ल तो आज्ञा सब ये आपत्ति कि आज्ञा दब कि प्रतिपोषण बंचवी निजे आज्ञा रांधि बाड़ी खाऊ झीओ आज्ञा मत रोषेवास कर दौर चलिए अक्षम।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଧାନର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ରହିଛି ନିରବ ଦଷ୍ଟା ସାଜିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କେବେ ଏହା ପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।